नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। दुनिया में आयुर्वेद को नई पहचान दिलाने में मध्य प्रदेश नेतृत्व करे, आयुष राज्य मंत्री श्री कांवरे ने नेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि मध्य प्रदेश के वन आयुर्वेद संपत्ति के मामले में काफ़ी समृद्ध है, यहाँ नए नए शोध किए जाने की काफ़ी संभावना है। उन्होंने युवाओं से इस दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। राज्य मंत्री श्री कांवरे आज भोपाल के रविंद्र भवन में 3 दिवसीय नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने देश के प्रख्यात आयुर्वेद वैद्यों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर भोपाल सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद थी। राज्य मंत्री श्री कांवरे ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। नए शोध न होने के कारण आयुर्वेद की पुरानी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि ऐसे प्रयास करें कि दुनिया में आयुर्वेद को नई पहचान दिलाने में मध्य प्रदेश अग्रणी बने। कोरोना काल की चर्चा करते हुए राज्य मंत्री श्री कांवरे ने कहा कि उस संकट के दौर में भी आयुष विभाग ने जनसामान्य में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ठोस काम किया है। घर घर पहुंचकर जनसामान्य को काढ़ा और चूर्ण का वितरण किया गया। इसके साथ ही 1 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन योग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। राज्य मंत्री श्री कांवरे ने कहा कि प्रदेश में आयुष से जुड़े चिकित्सक को समयमान वेतन का भी लाभ दिलाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 700 मेडिकल ऑफिसर के पदों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य में 362 वेलनेस सेंटर कार्य में कर रहे हैं। भोपाल के पंडित खुशीलाल वैद्य आयुर्वेद अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने निर्धन छात्रों को आयुर्वेद की पढ़ाई में निजी महाविद्यालयों से आर्थिक मदद किए जाने का आग्रह किया है। सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने संसद में आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सकों के समान सभी सुविधा दिए जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में हमेशा से नाड़ी वैद्यों का उच्च स्थान रहा है। उन्होंने इस परंपरा को युवाओं में भी स्थानांतरित किए जाने पर जोर दिया है। नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्फ्रेंस संयोजनम 2022 में 18 प्रदेशों के करीब 2200 युवाओं ने भाग लिया। 3 दिवसीय समारोह में युवाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जा रहे नए शोध पत्रों को प्रस्तुत किया गया। समारोह में खेल प्रतियोगिताओं के साथ रंगोली, निबंध एवं नाट्य की भी प्रस्तुति की गई। समारोह को विश्व आरोग्य परिषद के पदाधिकारी डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय ने भी संबोधित किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ आयुर्वेद आज भोपाल के रविंद्र भवन में अष्टांग हृदय श्लोक प्रयाण का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें करीब 1900 प्रतिभागियों ने एक साथ श्लोक का वाचन किया। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट।